बेगूसराय में उम्मीदवारों की गलत चयन का आरोप लगाते हुए एनडीए गठबंधन के जदयू नेता ने आक्रोशित होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाखों पंचायत एवं सूजा पंचायत के विभिन्न वार्डों में जा जाकर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने समर्थन में वोट देने के लिए मतदाताओं से भी अपील की है। इस दौरान जदयू के कद्दावर नेता सह लाखों पंचायत के चर्चित मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता को सीटिंग सीट से टिकट नहीं देने के कारण विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया है। इसलिए खड़ा हुए कि यहां सुरेंद्र मेहता जी का सीटिंग विधायक थे और उसका काट के किस आधार पे कुंदन सिंह को दिया गया है। इस आक्रोश में हमने निर्णय लिए निर्दलीय लड़ने का। ये बीजेपी वाला जवाब दे, समर्थन तो अपार मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दरअसल बेगूसराय विधानसभा में अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज की बहुत बड़ी तादाद है, ये सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, वो तस्वीर साफ है। मैंने स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अति पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है। सुरेंद्र मेहता जी तो एनडीए के उम्मीदवार पहले से हैं, आज भी होंगे। कैंडिडेट होना था सुरेंद्र मेहता जी को, कैंडिडेट कोई और हो गए। साजिश तो वहाँ है, स्पष्ट साजिश है कि एक खास जाति वर्ग के लोगों ने अपने प्रभाव को पैसे के बल पर, जिनका कोई योगदान नहीं है समाज में, जिनका कोई पर्चा नहीं है क्षेत्र में, वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम किया। सज्जन तो वहाँ हुआ है, सज्जन तो हम लोगों के साथ हुआ है, हम गरीब गुरबा के साथ हुआ है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता था, जो हमारी बातों को सदन रखने का काम करता था, ऐसे नेता को हम निकाल कर बछवाड़ा भेज देने का काम किया। क्या आपको लगता है बछवाड़ा में ऊपर प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? यहाँ समाज कहाँ जाएंगे, किसको खोजेंगे, किसके साथ चलेंगे? किसी तरह का अप्रिय घटना होता है, किसी तरह का सामाजिक उन्माद जब उत्पन्न होता है, कहीं बहुत बड़ी घटना होती है, कहीं एक्सीडेंटल की बात होती है, आगलगी की बात होती है, गरीब गुरबा का तत्काल सेवा करने का काम राजेश बाबू करते हैं। अगर राजेश बाबू हम लोग के बीच नहीं जाएंगे तो कौन हमको देखने वाला होगा, हमारी बातों को कौन देखने वाला होगा? ये जरूरत है कि इतनी बड़ी तादाद का नेतृत्व करने के लिए एक सख्त सशक्त मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने दबाव बनाया है राजेश बाबू को कि निर्दलीय ही सही, आप चुनाव लड़िए, हम 80% वोटर हैं, हम आपको जिता कर पटना भेजने का काम करेंगे, यही हम लोगों ने निर्णय लिया है। जी मेरा नाम महेश राय है। मुखिया जी को विचार है, जब टिकट नहीं देते हैं ओरिजिनल से निर्दलीय खड़ा हो को लड़ाई करेंगे तो करेंगे और यह संघर्ष पार हो जाएगा। अपने विधानसभा के हमारे सुंदर नेता हैं, हम वोट दे के भारी बहुमत से उनके पार कर देंगे, बछवाड़ा भेज के हार जाए। राम राय।